नमस्कार, अर्थ मैटर्स के इस खास प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। कश्मीर का नाम लेते ही जहन में चिनार पेड़ों की छवि उतर आती है। ये पेड़ जहां मैं खड़ा हूं वो कम से कम 400 साल पुराने हैं। चिनार के अलावा कश्मीर में अन्य भी बहुत सी चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें देखने लायक, पर यहाँ की एक ख़ास विरासत श्रीनगर की डल लेक देखने लायक है। ये जीवन स्रोत है लाखों लोगों की और किसानों की, जो जीवन देती है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कश्मीर की डल लेक। जम्मू कश्मीर सबसे ऊंची हिमालय पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा, धरती पर स्वर्ग। इस जगह प्रकृति के कुछ सबसे शानदार भूदृश्य पाए जा सकते हैं। लद्दाख के रेगिस्तान, कश्मीर के घने जंगल और जम्मू के मिले जुले पर्णपाती यानी डेसीडुअस वन। ये विशेषताएं इस इलाके को पर्यावरण के नजरिए से देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बनाती हैं। यहां कमाल की जैव विविधता है और इस उपजाऊ भूमि में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की ऐसी हजारों किस्में और प्रजातियां हैं जो सिर्फ यहीं मिलती हैं। ऊंचाई वाली जगहों पर मौजूद ग्लेशियर असंख्य नदियों, प्राकृतिक स्रोतों और जलधाराओं को जन्म देते हैं जो यहां की वादियों से होकर बहती रहती हैं। ये और आगे झीलों को पानी मुहैया कराती हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों, किसानों और बागवानों की जीवन रेखा है। डल लेक कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये भी एक विश्व विरासत स्थल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य है। डल लेक लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और कश्मीर के पर्यटन उद्योग की प्रतीक है। डल झील की दमकती शांत जलराशि तीन ओर से पीर पंजाल पर्वतमाला से घिरी है। ये झील कछार वाला एक क्षेत्र है जिसमें उन विभिन्न नदियों और जलधाराओं से पानी नियमित तौर पर आता और जाता रहता है जो श्रीनगर के चारों ओर मौजूद जंगलों से होकर बहती हैं। ये पांच बेसिनों का एक मेल है। ये हैं गगरी बल, बोर्ड डल, हजरत बल, नगीन और बरारी नंबल, जो 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। सदियों से ये झील और इसकी खूबसूरती शायरों, यात्रियों और कलाकारों को प्रेरित करती आई है। श्रीनगर शहर इस झील के चारों ओर स्थित है। ये झील एक जीवंत पर्यावरण प्रणाली है जो 20 लाख लोगों और यहां हर साल आने वाले लाखों सैलानियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पालती रहती है। डल झील सिर्फ पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत ही नहीं है, ये यहां के शिकारे वालों और हाउस बोट स्वामियों के लिए पर्यटन के जरिए राजस्व पैदा करने का एक मुख्य स्रोत भी है। बागवानों और किसानों जैसे स्थानीय समुदाय अपनी रोजी के लिए अधिकतर इस झील पर ही निर्भर करते हैं। डल और निगीन का जो सर्वाइवल है वो अल्टीमेटली ये श्रीनगर सिटी ही नहीं बल्कि कश्मीर का एक फ्यूचर डिटरमिन करेगा। तो इन चाहे आप बायोडाइवर्सिटी ले लीजिए, इकोलॉजिकल बैलेंस ले लीजिए, इकोनॉमिक स्पिन ऑफ ले लीजिए, टूरिज्म ले लीजिए, इन सब के लिए डल लेक जो है उसकी अहमियत है। तो बाकी जो वाटरवेज हैं उसमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन तो पहले बहुत ही आम, पहले ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क वाटरवेज के थ्रू ही होता था और ये एक पूरा रिवर सिस्टम एक हमारा इलाबरेट होता था जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू थी, सोशो इकोनॉमिक बैलेंस था, इकोलॉजिकल बैलेंस था। अनुमान लगाया जाता है कि राज्य को मिलने वाले कुल राजस्व में से डल झील का अंशदान लगभग 16% है और राज्य के करीब 40% लोग झील से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त हैं।
डल झील में मछलियों की भी अनेक प्रजातियां मौजूद हैं और ये फिशरीज यानी मछली पालन के जरिए हजारों लोगों की रोजी को भी कायम रखती हैं। फिशरीज इस इलाके का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, पर बदकिस्मती से ये महत्वपूर्ण जीवन रेखा आज खुद गंभीर संकट से घिरी है। इसमें से पकड़ी जाने वाली मछलियों की तादाद लगातार कम हो रही है, झील प्रदूषित हो गई है और पर्यटन पर भी विपरीत असर पड़ा है। इस संकट के कारण कई हैं। कभी इस शानदार झील का आकार 75 वर्ग किलोमीटर था, जो अब खतरनाक ढंग से सिकुड़कर सिर्फ 12 वर्ग किलोमीटर रह गया है। इसकी गहराई कभी 45 फुट होती थी, जो अब कुछ जगहों पर तो केवल 4 फुट रह गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी वजह है अनियंत्रित इंसानी गतिविधियां और अतिक्रमण। फसलें उगाने और घर बनाने के लिए इसके काफी बड़े हिस्सों का भराव कर दिया गया है। झील के इर्द गिर्द गेस्ट हाउस, होटल और रेस्टोरेंट बन गए हैं, जिससे झील का आकार और घट गया है। कमल तथा अन्य सब्जियों की खेती पहले बहुत फायदेमंद हुआ करती थी, लेकिन अब इनके कारण झील का प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और ये भी झील के सिकुड़ने की एक वजह है। किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का बेहिसाब इस्तेमाल करते हैं, साथ ही सीवेज से निकलने वाला गंदा पानी और औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषक तत्व भी झील के मिजाज को बदल रहे हैं और पानी को जहरीला बना रहे हैं। काई तथा अन्य खरपतवार झील में खूब पनप रही है, जिससे इस उथली झील का जैसे दम ही घुट गया है। जो समुदाय अपनी रोजी रोटी के लिए डल झील पर निर्भर हैं, उनके लिए ये भारी चिंता का सबब है। झील में ऑक्सीजन का स्तर घटने से मछलियों का दम घुट रहा है। पकड़ी जाने वाली मछलियों की तादाद में कमी आने से लोगों को भारी माली नुकसान भी हो रहा है। श्रीनगर के लोगों को पीने का पानी भी सीधे डल झील से ही मिलता था। उपयुक्त ड्रेनेज सिस्टम और निकलने वाले गंदे पानी के ट्रीटमेंट की सुविधाएं न होने के कारण गंदा पानी और ठोस कचरा रोजाना सीधे झील में समा जाता है। कल तक हम यहाँ पानी पीते, इस पानी से मर्ज दूर हो जाता है। अगर किसी को कोई दर्द होता है, उसको जाओ झील डल में जाओ, वहाँ गुता लगाओ, नहाना करो, तो दर्द दूर हो जाएगा। अब इसमें हाथ धोने से भी हम कुतराते हैं। ये समस्या न सिर्फ झील में रहने वालों बल्कि सैलानियों की लापरवाही की वजह से भी और बढ़ती जा रही है। झील के इर्द गिर्द मौजूद लगातार बढ़ते होटल और दूसरे कारोबारी इदारे अपने कचरे को सीधे ही झील के हवाले कर देते हैं। कुछ एक दशक पहले ये झील यहाँ के बाशिंदों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने का मुख्य स्रोत हुआ करती थी, लेकिन इसके पानी की लगातार बदतर होती क्वालिटी न केवल इंसानों बल्कि इसमें रहने वाले बहुत से जीवों को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। अध्ययनों से पता चला है कि झील में पहले मेंढकों और मछलियों की बहुत सी प्रजातियां होती थीं, तथा यहाँ प्रवासी पक्षियों की भी बहुत सी प्रजातियां आया करती थीं, लेकिन अब इनकी तादाद घटती जा रही है। झील के सामने तैरते हुए विशाल बाघों की शक्ल में भी एक बड़ा खतरा मौजूद है। कश्मीरी भाषा में इन्हें राद कहते हैं। ये वनस्पति और तलछट के मेल से बनते हैं। इन्हें झील की तली से काट दिया जाता है और पानी की सतह तक ले आया जाता है। ये क्योंकि पानी की सतह के ऊपर होते हैं, इसलिए इन्हें लगातार सिंचाई हासिल होती है और फसल भी बढ़िया मिलती है। सैकड़ों किसान अपने इन बाघों की देखरेख करते देखे जा सकते हैं।
इन तैरते हुए बागों से पूरी वादी की सब्जियों की करीब 50% मांग पूरी होती है। तैरते हुए बाग इस झील के पर्यावरण का हिस्सा कई साल से रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कुदरती फिल्टर की तरह काम करते हुए झील के पर्यावरणीय संतुलन को कायम रखने में मदद करते हैं। लेकिन बेहतर उपज के लिए कीटनाशकों का हद से ज्यादा इस्तेमाल आज चिंता की एक मुख्य वजह बन गया है। इन बागों से निकलने वाला पानी झील को प्रदूषित कर रहा है और झील के पानी में जो रासायनिक अपशेष बढ़ रहे हैं इसे उनकी एक बड़ी वजह पाया गया है। अध्ययनों से पता चला है कि लेड यानी सीसा, आर्सेनिक, मैंगनीज और कैडमियम जैसे खतरनाक रसायन इन मछलियों में जमा हो जाते हैं जिन्हें इंसान खाते हैं और इससे लोगों को सेहत संबंधी गंभीर जोखिम झेलने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इन तैरते हुए खेतों से साल दर साल जो कचरा निकलता है उसने भी इस झील को उथला और एसिडिक बना दिया है। अर्थ मैटर्स टीम झील के अंदरूनी हिस्सों तक गई ताकि सरकार की उन कोशिशों पर करीब से नजर डाल सके जो उसने डल झील की मूल खूबसूरती को बहाल करने के लिए की है। जब नाव हाउस बोटों से आगे गई तो हमने इंसान के बनाए जजीरों को देखा जो बेहद तंग और बदबूदार बस्तियों से घिरे हुए थे और आज जहां ये बस्तियां बसी हैं वहां कभी डल झील के बैक वाटर्स हुआ करते थे। गंदे पानी में उगी घटिया खरपतवार ये संकेत देती है कि डल अब एक धीमी मौत की तरफ बढ़ रही है। पहले जहां डल में शांत जल राशि हुआ करती थी वहीं अब इसकी सतह पर पॉलिथीन और काई नजर आती है और इसमें से 24 घंटे बड़ी तीखी गंध निकलती रहती है। साल दर साल इस झील के पानी में जिन जहरीले अपशिष्टों को डाला गया है उनसे इसका पानी गहरा हरा और जहरीला हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये इस झील के सूखने का एक लक्षण है। लेक जो है वो उसकी न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, वाटर कॉलम्स में प्रॉब्लम हो गई थी, वाटर केमिस्ट्री ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा, एक ऐसा स्टेज उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं वो आ गया है और लेक में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई, चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक हो गई थी। इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं और यहाँ इसकी शुरुआत हो चुकी है। यूट्रोफिकेशन तब होता है जब झील के पानी में कृत्रिम रूप से पोषक तत्वों की भरमार हो जाती है जिससे पेड़ पौधों की असामान्य बढ़वार होती है। रासायनिक उर्वरकों, सीवेज तथा दूसरे कचरे के जरिए हर साल झील में 15 टन फास्फोरस और 300 टन नाइट्रोजन पहुंचते हैं जो खरपतवार के लिए फर्टिलाइजर का काम करते हैं। ये चीजें पानी की सतह पर पेड़ पौधों की बढ़वार के लिए एक समृद्ध आधार मुहैया कराती हैं और पानी के बहाव को रोकती हैं। उसमें ऑर्गेनिक पोल्यूशन ज़्यादा है, पोल्यूशन न्यूट्रिएंट लेवल्स अभी भी ज़्यादा है, तो इसको न्यूट्रिएंट लेवल्स ज़्यादा होने से ये मेन कॉज है जो कि माइक्रोफाइट्स डल में है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। पिछले कुछ बरसों में एक पौधा इस झील में जंगली आग की तरह फैला है जिसने इस झील की पर्यावरण प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसका नाम है अजोला प्लांट। इस इलाके में इस कटिबंधीय पौधे के होने का कोई कारण नहीं है। ये यहाँ कैसे उगने लगा ये आज भी एक रहस्य है। विदिन 3 या 4 साल के दौरान हमने इन्हें इतने तेज रफ्तार से फैलते हुए देखा है कि आज इसकी वजह से झील की लगभग सारी चैनलें रुक गई हैं। ऐसे लग रहा है कि ये डल झील के ऊपर एक परत की तरह फैल गया है। ये एक खतरनाक स्थिति है। इट हैज ऑलमोस्ट मेड अ काइंड ऑफ कारपेट ऑन द वेरियस बेसिन्स ऑफ द डल लेक एंड इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। जैविक प्रभावों के साथ-साथ इस झील की भौतिक स्थिति में भी लगातार गिरावट आ रही है। भौतिक गिरावट से मतलब ये है कि इस झील का आकार तेजी से सिकुड़ रहा है। आसपास के इलाकों में जंगलों की कटाई के कारण झील में गाद जमती जा रही है।
जिसके कारण ये उथली हो रही है और इसका आकार और घट रहा है। कुदरती तौर पर तैरते हुए बाघ भी अब अतिक्रमण का जरिया बन गए हैं। गैरकानूनी अतिक्रमण, झील के इर्द गिर्द अनियोजित और अनियंत्रित विकास और इमारतों के बनाए जाने से कछार वाले इलाकों से पानी झील में नहीं पहुंच पाता, जिससे डल झील की हालत और बदतर होती जा रही है। पहले डल झील अपने आप में एक छोटा सा शहर हुआ करती थी, जो आत्मनिर्भर थी और बराबर फल फूल रही थी। लेकिन पिछले कुछ ही दशकों में झील के आसपास रहने वाले लोगों की तादाद कई गुना बढ़ गई है। ये लोग रिहायशी और कारोबारी उद्देश्यों से सीधे ही कछार वाले मुख्य इलाकों से पानी का इस्तेमाल करते हैं। इस सदी की शुरुआत में डल और नगीन झीलों में 100 से भी कम हाउस बोट हुआ करती थी, लेकिन 1981 में यहाँ कुल 1100 हाउस बोट दर्ज की गई और झील के आसपास की बस्तियों में लोगों की आबादी भी करीब 24,500 हो गई, यानी 1973 के मुकाबले ये 100% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी थी। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि कछार इलाके के आसपास 2,00,000 से ज्यादा लोग रहते हैं और 70,000 से ज्यादा लोग झील के बीच में मौजूद बस्तियों में रहते हैं। झील के उथले इलाकों के काफी बड़े हिस्सों को भर दिया गया और इन द्वीपों का इलाका हर साल बढ़ता ही चला गया है। अगर ये झील सूख जाती है तो लाखों लोगों की सेहत पर बहुत ही खतरनाक असर पड़ेगा। इन जजीरे वाले इलाकों में क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में पानी इतना प्रदूषित हो सकता है कि उसको फिर से साफ करना मुमकिन ही नहीं रह जाएगा। विशेषज्ञों को आशंका है कि अगर ऐसा हुआ तो डल झील का सफाया हमेशा के लिए हो जाएगा। एक तरफ देखा जाए तो यहाँ हर साल 40 करोड़ की सब्जियाँ, फल और फसल उपजाई जाती है, पर फसलों के लिए रासायनिक खाद इस्तेमाल की जाती है और कीटनाशक, ये भी पानी में आ रहे हैं। यहाँ पर दूसरी बड़ी समस्या है सैनिटेशन की। मल मूत्र कहाँ जाएगा, वो सब इस झील में आता है। इसी कारण विचित्र बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। डल झील हिमालय की झील पर्यावरण प्रणाली में पर्यावरणीय बर्बादी की एक नुमाया मिसाल है। इस झील की बदहाली से चिंतित होकर जम्मू कश्मीर सरकार ने अप्रैल 1997 में लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LAWDA का गठन किया। इस कदम का मुख्य उद्देश्य था डल झील और वेटलैंड इकोसिस्टम को बचाए रखना, स्थानीय समुदायों की रोजी को सुरक्षित रखना और झील के प्रदूषण को रोकना। ये अथॉरिटी कई कदम उठा रही है, लेकिन इसे अब तक कुछ खास कामयाबी नहीं मिली है। डल को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये काम तुरंत किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही एक लंबी अवधि की परियोजना के तहत इसे लगातार भी करते रहना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि कानून का पालन और ज्यादा सख्ती से हो और हर कोई इस सिलसिले में मिलजुल कर कोशिश करें। लेकिन कानूनों और नियमों से भी ज्यादा जरूरी यह है कि हर कोई ये समझे कि इसी पानी को हम पीते हैं और हमारे जिंदा रहने के लिए इसकी जरूरत है। इस भावना और वैज्ञानिक प्रबंधन तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर ही इस झील को बचाया जा सकता है। अगर लाखों लोगों की इस जीवन रेखा की बहाली को सुनिश्चित करना है तो लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और सरकार की तरफ से पारदर्शी मदद भी आवश्यक होगी। मीडिया और स्थानीय गैर सरकारी संगठन विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चला सकते हैं और कश्मीर की इस रूह को बचाने के सिलसिले में स्कूल और कॉलेज इस संदेश को फैलाने में अपनी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। पहला कदम ये होना चाहिए कि झील में दाखिल होने वाले सीवेज और गंदे पानी को उसमें दाखिल न होने दिया जाए। ये प्रदूषक तत्वों का सबसे बड़ा जरिया है।
राज्य सरकार ने पहले ही श्रीनगर शहर के लिए एक विशाल ड्रेनेज और सीवरेज परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इससे इस झील के संतुलन को बहाल करने में काफी मदद मिलेगी। अगला कदम है झील में से गाद निकालना और प्लास्टिक तथा अन्य कचरे की सफाई। खरपतवार और गाद निकालने के काम को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है और इससे झील पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये काम वैज्ञानिक तरीके से और विशेषज्ञों के दिशा निर्देशन में किया जाना चाहिए। इस फौरी जरूरत को पूरा करने के लिए हाईटेक मशीनों को आयात किया गया है। ये आधुनिक ड्रेजिंग मशीन न सिर्फ झील में से गाद निकालेगी बल्कि रुके हुए चैनलों को खोलने में भी मदद करेगी। इससे चैनलों से पानी का बहाव सुनिश्चित किया जा सकेगा और इससे उस बदबू से भी निजात पाई जा सकेगी जो झील की तमाम बस्तियों में फैली रहती है। खरपतवार और इस इलाके से ताल्लुक न रखने वाले पौधों की सफाई फौरन किए जाने की जरूरत है। कई जगहों पर फव्वारे लगाए गए हैं जिनसे ऑक्सीजन की कमी वाले झील के पानी में फिर से ऑक्सीजन दाखिल होने लगी है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी इकट्ठा रहता है। इससे काई की बढ़वार पर भी रोक लगेगी। विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर झील की उम्र लंबी करनी है तो उसके अंदर जो बस्तियां बसी हुई हैं उन्हें कहीं और बसाया जाना चाहिए। झील के इर्द गिर्द इमारतें बनाने पर रोक होनी चाहिए और जो लोग अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। डल झील जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही है। यहाँ के लोगों के लिए सबसे कीमती संसाधन पानी है। अगर हम डल झील और जो लोग इस पर निर्भर हैं उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के प्रति गंभीर हैं तो हम सबको फौरन कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अगर डल झील को मौका दिया गया तो उसकी खोई जीनत फिर से लौट सकती है और वादी कश्मीर का संतुलन बहाल हो सकता है। डल लेक पर जो सफाई का अभियान चल रहा है वो वाकई सराहनीय है। एक बदलाव नजर आ रहा है। ऐसे ही कदम भारत के पूरे जल स्रोतों पर अन्य जगहों पर भी होने चाहिए, तभी जाकर एक बदलाव आ सकता है। लेकिन सरकार अकेले ही कुछ नहीं कर सकती, इसमें लोगों की भागीदारी भी, आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जल सरकार नहीं गंदा करती और न पोल्यूट करती है। पोल्यूशन हमारे घरों से आता है। सबसे पहला कदम यही है कि आप पोल्यूशन को रोक सकते हैं, एक हिस्सेदार बन सकते हैं इस अभियान में। और अब समय आ गया है साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, भारत के गीर और पश्चिमी घाट के वनों में मिलने वाली अफ्रीकी मूल की भारतीय जनजाति का नाम बताइए। इसका सही जवाब है सिद्धी जनजाति के लोग। और आज के विजेता हैं चिराग मुदगिल राजस्थान, वंदना वरुण उत्तर प्रदेश, उज्ज्वला दास वाणी मध्य प्रदेश, सुनंदिनी कैशल हिमाचल प्रदेश और विशाल ठाकुर नई दिल्ली। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा अर्थ मैटर्स की तरफ से एक टी शर्ट और सर्टिफिकेट और 10 विजेताओं को अर्थ मैटर्स के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट विनर्स हैं प्रदीप अत्री हरियाणा, प्राची मिश्रा नई दिल्ली, मनोज चौहान राजस्थान, आदित्य कालिया चंडीगढ़, अविनाश कुमार सिन्हा बिहार, सुभाष सुरेंद्रन गुजरात, प्रणब कुमार दानी उड़ीसा, प्रियंका राजपूत उत्तर प्रदेश, सीए अरुण प्रसाद तमिलनाडु और मेघना पांडे महाराष्ट्र। और इस हफ्ते का सवाल है, भारत की कौन सी झील को फ्लोटिंग लेक यानी तैरती हुई झील भी कहा जाता है? सवाल एक बार फिर से सुनिए, विच लेक इन इंडिया is also popularly known as the floating lake. अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है अर्थ मैटर्स, PO बैग नंबर 3, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110048। और हमारा ईमेल आईडी है dd@earthmatters@gmail.com।
आज का सफ़र बस यहीं ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने सुझाव और विचार हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। आपके ख़तों का हमें इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।